नगरीय निकाय चुनाव मतगणना प्रक्रिया को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम देखने को मिले। स्वयं पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते दिखाई दिए। नगरीय निकाय चुनाव मतगणना को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। क्षेत्रीय ग्राम विकास संस्थान में नगर पालिका व ज्योति खुड़िया अध्यक्ष पद व सदस्य पदों के मतों की गणना होनी थी, इसलिए क्षेत्रीय ग्राम विकास संस्थान के चारों तरफ की परिधि में 200 मीटर तक वाहनों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया था और किसी को आने जाने पर भी पूरी तरीके से वर्जित कर दिया गया था। जिन लोगों का प्रवेश क्षेत्रीय ग्राम विकास संस्थान में होना था, उन्हीं लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा था। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के गेट पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इतना ही नहीं, स्वयं अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार और क्षेत्राधिकारी नगर संतोष कुमार सिंह मतगणना स्थल का पल पल का जायजा लेते दिखाई दिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं स्वयं पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह, जिला अधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह के साथ अन्य मतगणना स्थलों का जायजा लेते दिखाई दिए और नगर पालिका अध्यक्ष व ज्योति खुड़िया अध्यक्ष के साथ सदस्य पदों के घटना वाले स्थान पर भी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते दिखाई दिए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों ने क्या कुछ बताया, जरा आप भी सुनिए। सर, 8 बजे मतगणना प्रारंभ हो रही थी, उसको लेकर बहुत लेट प्रारंभ हुई है, क्या इसका रीजन रहा इतनी लेट? क्योंकि प्रारंभिक तो पोस्टल बैठ की मतगणना हो गई है, अब हमारे सामान्य प्रक्रिया शुरू कर दी गई। हमारे अन्य डिब्बे भी लगाए गए, जैसा कि देख सकते हैं अवलोकन कर सकते हैं। वार्ड वार हमारे 32 वार्ड हमारे हैं, 32 वार्ड का 400 मिनट में वाटा है और उस हिसाब से मतगणना शुरू कर दी। प्रत्याशी ने आरोप लगाया मत पेटी में स्लिप भी नहीं लगाई गई है, अभी तो शुरुआत हो रही है मतगणना की, आप ये मत पूछिए। अचानक एकदम आशंका से लोगों को क्यों भ्रम फैल जाता है? शुरुआत में जब हम तैयारी कराते हैं तो हमारे उसी समय मतगणना के एजेंट आ रहे होते हैं, जो पार्टियां प्रत्याशी करते हैं और उसी के समानांतर हमारे मतगणना कर्मी भी आ रहे हैं, तो ऐसा कोई सूचना नहीं है। अब तो आप भी अंदर ही हैं। प्रत्याशी ने जो आरोप लगाए उसको गंभीरता से देखा है? आप खुद देख लो गंभीरता से। शुक्रिया, ठीक है।